ये हो क्या होता है कि दो सिक्का यानी क्वाइन है ना, दो क्वाइन को हम लोग क्या करते हैं उछाल लेते हैं ना लड़के, है ना, क्या दो क्वाइन क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं उछाल लेते हैं, है ना, यानी आउटकम आया था इसका, समझे ना, आउटकम होता है यानी बाहर आने वाले का आउटकम क्या रहता है, समझे। तो अब जैसे कि क्या था क्वाइन में, है ना, क्वाइन हम लोग देखे थे ना, क्वाइन को यानी सिक्के को देखे थे, क्या देखे थे सिक्के को, ठीक ना, देखो सिक्को, देखो अब एक सिक्का होगा, मान लो एक सिक्का, कितना सिक्का रे, एक सिक्का, ठीक ना, तो एक सिक्का यानी एक सिक्का में जो हम लोग देखेंगे सिक्का जो मेरे पास रहता है या किसी के पास भी रहेगा, 5 रुपया 10 रुपया कोई भी सिक्का होगा, तो उसमें क्या होगा, वो हैड है वो टेल नहीं, एक साइड क्या होगा हैड होगा, एक साइड क्या होगा टेल होता है, चिप पट भी कहते हैं उसको, है ना, क्या कहेंगे, चिप और पट यानी हैड और टेल। तो हैड और टेल, तो मान लो जैसे सिक्का उछालते हो तो क्या होता है उसमें, क्या होगा, या तो हैड या तो टेल, वही ना होगा, 50-50 चांस होता है ना, जैसे सिक्का उछालेंगे या तो हैड होगा या तो टेल होगा, दिमाग में चलता रहता है लेकिन दोनों, है ना, धुक धुक होता रहता है, नहीं होता है, जब क्रिकेट होता है या फिर मैच होता है तुमको मन है कि नहीं हम पहले बैटिंग करना चाहेंगे या फिर कुछ और करना चाहते हैं, या लकी ड्रॉ में भी हैड टेल यूज उछाल देता है कभी कभी, है ना, ऐसे सिचुएशन पर क्या होता है धक धक करने लगता है कि होगा कि नहीं होगा इस तरह से, समझे। तो एक सिक्का होगा तो क्या फॉर्मूला लिखाए थे, 2 to the power n, यानी 2 के पावर कितना लिखोगे, n लिखोगे, यानी जितना सिक्का रहेगा, है ना, देखो जैसे एक सिक्का तो एन कार कितना, एक एक सिक्का में एन कार कितना, एक, यानी एक रखो तो कितना हुआ 2 होगा, और 2 सिक्का है तो 2 के पावर कितना n, जितना सिक्का रहेगा उतना 2 के पावर n करेंगे, यानी n का मतलब कितना है, n का मतलब क्या हुआ सिक्कों की संख्या, यानी क्या वो सिक्का है, n का मतलब क्या हुआ सिक्कों की संख्या, अब देखो 2 को सिक्का है कितना होगा फिर उसका आउटकम, यानी बाहर कितना निकल के आएगा, या तो हैड या तो टेल, फिर हैड फिर टेल, ये ना बनेगा। और इसी तरह से अगर 2 के पावर कितना होगा, नहीं 3 कर दे, यानी 3 सिक्का करेंगे तो कितना होगा वैल्यू, 8 को, यानी कुल कितना होगा 8 को वैल्यू आने वाला है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद हम लोग देखे थे पासा, है ना, पासे देखे थे, छकरी जिसको बोलते हैं, है ना, पासा, पासा में क्या देखेंगे कि पासा में भी क्या होगा 6 फेस होता है उसका, है ना, कितना होगा 6 फेस होता है, 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक, है ना, क्या होगा 6 तक, ठीक है, कपड़ा कहाँ गया साफ करने वहाँ पर, तू कपड़ा लेके आना अच्छा वाला, ठीक है, तो देखो तो 6 तक लिखोगे पासा, पासा इस तरह से बनाएंगे क्या, ऐसे दिख रहा है ना स्पष्ट, चलो ठीक है, ये हो गया हल्का, इसको क्या करो टेढ़ा कर दो, इस तरह से कर देना, ठीक है, ऐसे उसको क्या करोगे आराम से इसको इस तरह से मिला दोगे, मिला दिए फिर क्या करोगे ऐसे आने देना हल्का, ठीक है, जहाँ तक आएगा फिर इसको मिला दोगे, ठीक है, ये एक पासा होगा, यानी इसमें कितना 1 2 3, और एक पासा और होगा जो पीछे होगा तो नहीं दिखेगा, है ना, पीछे वाला थोड़ा दिखेगा, क्योंकि ये कितना कौन फिगर है, 2D फिगर है, है ना, 2D फिगर है, 2D फिगर का मतलब है कि इसमें लंबाई चौड़ाई का बात होगा ना कि ऊंचाई का बात होगा, समझे, इसीलिए हम स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो देखो अब एक और फिगर बना दो, यहाँ पर क्या करोगे एक फिगर और बना दोगे, ठीक है, वहाँ इस तरह से फिगर और बना दीजिए, ठीक ना, देखो यहाँ से इस तरह से बनाइएगा, ऐसे करिएगा, इस तरह से मिला दीजिएगा, ओके, और यहाँ से फिर आने दोगे, ठीक ना, इसको इस तरह से मिला दोगे, ठीक है, हो गया। तो कितना है 4, 5 और 6, यानी पासे पर कितना होगा 1 से लेकर 6 तक, है ना, पासा पर कितना 1 से लेकर 6 तक, उनको नंबरिंग कर देना है, चलिए नंबरिंग कर देंगे 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, मतलब आगे की कर रही मैं, अब मान ला क्या निकल के आएगा बाहर, है ना, बाहर क्या निकल के आएगा तुमको वैल्यू, या तो 1 होगा, नहीं जब जैसे हम लोग छकड़ी को इस तरह से झमारते हैं तो झमारने पर क्या होता है, मन 6 प्रकार का होता है, नहीं मन हमारे से क्या प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के मन होते हैं, कि 1 होते कि 2 होते कि 3 होते कि 4 होते कि 5 होते 6 होते, नहीं लेकिन जाने के लिए तो चुके 6 तो लोग कभी कभी 6 आ जाता है ना, झगड़ा कर लेता है, नहीं कर लेता है तुम कहे बगता है, लूडो छगा खेलोगे तो जब खेलता है हम लोग भी खेलते थे तो जो लड़का सब था क्या झगड़ा कर लेता, छः आ जाए एक नहीं बोलो तो एक आ जाएगा, इस तरह से हो जाता है कभी कभी, समझे। तो देखो ये आउटकम आया यानी बाहर क्या निकल के आएगा इसका, है ना, संभावित माना को क्या क्या हो सकता है, तो देखो क्या होगा 1 2 3 4 5 और कितना होगा 6, ये ना खिलाओगे नहीं तू लोग शांत होकर पढ़ो, ठीक है 6 हो गया, ठीक है 6 हो गया। अगर एक पासा था तब ना एगो और पासा होता तो 2 को पासा करते तो 36 प्रकार का मन होता, कितना प्रकार का 36 प्रकार का मन होता,
है ना, 36 प्रकार का मन होता समझिए, कि क्या प्रकार का मन है तो 36 प्रकार के मन हो गलत कि मैंने की है दो को पासा कर गए ना, कभी कभी सब पर एक एक हो जाएगा ना, एक एक फिर एक दो ना, एक पाँच एक छः क्या, फिर दो एक दो तीन नहीं दो इतना वो उतना ये उतना है ना, बहुत प्रकार का हो सकता है समझे। तो फिर क्या करें, अभी क्या होता है जितना जिसका तुमको वैल्यू निकालना है उसके पावर में ऐड कर दो। जैसे देखो सिक्का है, सिक्का कितने प्रकार का फेस होगा, सिक्का में क्या वो फेस चेहरा कितना चेहरा, सिक्का में छे गो दो दो क्या होते हैं टूटा है, तो टूटा है तो देखिए तो दो के पावर कभी कर भी ऐड कर देगी बुझे ना, कभी दो के पावर में ऐड कर दिए ऐड की मेरे तोरा नंबर नंबर ऑफ सिक्का या नंबर ऑफ कॉइन है ना, सिक्कों की संख्या हो गया तो जितना सिक्का होता है तुमको बाहर निकल जाएगा। अच्छा अब क्या पासा है, तो पासा में कितना होगा रे छः, ये क्या आपका फेस है तो क्या हुआ फेस है ना, ये फेस हुआ है ना, पासा में कितना फेस होगा छः होगा है ना, जैसे पार क्या करोगे एन कर दोगे, कितना करोगे एन करोगे, यानी मान लो अगर एक पासा है ना एक पासा है तो एन कर कितना एक, तो वैल्यू कितना आएगा छः, यानी मन जब तोड़ कर तो छः प्रकार कर दो है ना, मन क्या प्रकार कर दो छः प्रकार के करूँ कि नहीं करूँ, कि करूँ कि नहीं करूँ है ना, कि कहते छक्का है कि कहते हैं, अगर दो बार उछाल देगी तो कर दो कि दो पासा के हमार हतवा ठीक, तो 36 प्रकार के मन थे, क्या प्रकार के तो 36 प्रकार के, तो इसके लिए फरमा फिर क्या करोगे, सिक्स के पास कितना एन है और एन क्या वाले पासों की संख्या क्या होगा पासे है ना, पासा या पासे है ना, पासे की संख्या समझे, पासे की संख्या, पासे की संख्या है ना, नंबर ऑफ डाइस क्या है, क्या बोलते हैं पासे को डाइस बोला जाता है, नंबर ऑफ डाइस हो गया, अगर मान लो दो गो है तुम्हारे पास कितना है दो गो, तो दो कर दो यहाँ पर कितना होगा छः गुने छः यानी कितना वैल्यू 36 को वैल्यू निकल के आएगा है ना, 36 वैल्यू क्या होगा निकल के आएगा है ना। तो हम लोग क्या देखते थे प्रायिकता बराबर ना ई की घटना क्या होगा, ई की घटना बट्टा में कुल घटना है ना, क्या होगा ई की घटना बट्टा में क्या कुल घटना है ना, ई मतलब इवेंट हो गया थोड़ा क्या इवेंट, यानी इवेंट क्या आने वाला है क्या बाहर होगा है ना, बाहर क्या निकलने वाला उसको, और टोटल थोड़ा क्या होगा नीचे में है ना, टोटल क्या होगा नीचे में पूछो तो चैप्टर में क्या क्या दिक्कत है ना, और भी तो फेस हमको लड़ा दिक्कत होते आई भी हम बता देते ना, होल नंबर सब हो गया था ना, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या भाज्य संख्या भाज संख्या, इसमें तुमको पूछ देगा कि बताओ कि पास अगर एक पास को उछाला जाता है तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, वो सब इस तरह से पूछ सकता है समझे ना, भाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगा, तो कैसे बताओगे बताओ तो भाज्य संख्या के आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या क्या क्या है तुम्हारे पास भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या भाज्य संख्या दो होता है, भाज्य संख्या देखो भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या कौन कौन होगा चार गुड कितना होगा चार है ना, जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए मोर देन है ना, मोर देन कितना थ्री थ्री या मोर देन यानी तीन या तीन से अधिक होगा तो इसको लोग क्या बोलेंगे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, क्या बोलेंगे इसको कंपोजिट नंबर समझे ना, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर दिख रहा है ना, तो इस बार कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ये लगी क्या कर रही हो याद करो ना ठीक है, इतना हो गया दोस्त। अच्छा ये तो भाज्य संख्या हुआ, तो भाज्य संख्या क्या लिखोगे चार और छः, लेकिन इसी में अगर क्या होगा अभाज्य संख्या हो जाए क्या होगा अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या का हम लोग क्या बोलते हैं है ना, अभाज्य संख्या की क्या लिखे प्राइम नंबर गुड कितना प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो छोटा प्राइम नंबर क्या होगा ये है ना, उसके बाद क्या लिखोगे तीन पाँच है ना, तो दो तीन और पाँच, इस तरह से क्वेश्चन आपको है ना पूछ सकता है, बताइए भाज्य संख्या क्या है अभाज्य संख्या क्या है विषम संख्या क्या है सम संख्या क्या है, इस तरह से प्रैक्टिकल पूछा जाता है समझे ना, ये तो थोड़ा बुक में दिया है, ये SSC रेलवे है ना बैंकिंग थिंग सब पूछता है क्वेश्चन समझे ना, हर जगह तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यही बेसिक चीज़ रहता है कंपटीशन में क्या रहता है ये बेसिक चीज़ रहता है समझे ना, अगर यही आप 8, 9, 10 अच्छा से कवर कर लीजिएगा बहुत हद तक जो है तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यही केस थोड़ा सॉर्ट कर देता है ना, लॉन्ग प्रोसेस क्या करते हैं सॉर्ट करते हैं, हम ही नहीं देखते बताते रहते हैं क्वेश्चन क्या शॉर्ट प्रोसेस भी बता देते, कभी एक लाइन में क्वेश्चन निकाल देते हैं आंसर नहीं, कभी क्या करते पूरे डिटेल से बता देते हैं, तो तुम लोग कभी थोड़ा दिक्कत होगा एक लाइन में समझना, लेकिन जैसे जैसे पढ़ोगे तो दिमाग में अपने एडजस्ट होना होगा, तुम खुद से सोचोगे कि नहीं आप क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से आराम से डील कर सकते हैं नहीं, कोनो क्वेश्चन के आराम से डील कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आराम से कर सकते कोई दिक्कत नहीं होगा समझे, तो इसको बैठा देते हैं और क्वेश्चन नंबर पूछिए क्या क्या दिक्कत है पूछो, तो क्वेश्चन देखो क्या दिक्कत है, डालो ना क्वेश्चन है क्या सर, देखो फर्स्ट नंबर में दिक्कत है फर्स्ट बना लोगे नहीं बनाना पड़ेगा, देखो फर्स्ट नंबर क्या है
देखो क्या करा, दो सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रयत्न होगा, है ना, एक चित आने की क्या प्रयत्न होगा, कितना सिक्का है, दो सिक्का, अभी बता है ना कि सिक्का कितना होगा, दो हो तीन हो चार से कोनो मतलब नहीं किया हमरा, है ना, समझे ना, तो क्या करोगे, दो सिक्का तो दो क्या लिखोगे, सिक्के, क्या दो सिक्के यानी टू कॉइन हो गया, कितना करे टू कॉइन ना, दो सिक्को, तो जब दो सिक्का को जब उछालोगे तो उसमें आने वाली घटना क्या हो सकता है, इवेंट क्या क्या बनेगा, है ना, आने वाली घटना क्या क्या हो सकता है, तो आने वाली घटना क्या होगा, देखो दो सिक्का है तो हो सकता है कि पहला बार जो दो सिक्का अगर उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर क्या होगा, हेड हेड, क्या हनुमान हम उसमें ना, हम तो जानते हैं तो ना, हम जानेंगे, हम तो अनुमानित कर सकते हैं भाई कि पहला बार उछालेंगे तो मान लो कितना हुआ तुम्हारा, दोनों पर हेड हेड होगा, हाँ तू कर गया है ना, कितना होगा, दोनों को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों हेड होगा, नहीं क्या करोगे, दोनों हेड कर दो, पहला नंबर हो गया दोनों हेड, ठीक है, दोनों क्या करो हेड, उसके बाद मान लो क्या, दोनों पर टेल टेल हो सकता है, नहीं दोनों पर क्या होगा, टेल टेल हो सकता है, समझे, पाला में दोनों पर हेड या दोनों पर टेल, उसके बाद फिर उछालोगे तो क्या होगा, अल्टरनेट हो भी सकता है ना, अल्टरनेट हो सकता है कि पहले हेड हो फिर टेल हो, ऐसा भी हो सकता है, तो पहले क्या लिखे, हेड लिख देते हैं, अब फिर क्या लिखोगे, टेल लिख दोगे, समझे, फिर अगर मान लो उल्टा करेंगे तो हो सकता है कि इस बार पहले हेड आया था अब फिर उछालेंगे तो टेल होगा, कितना होगा, टेल या तो हेड, इससे ज़्यादा घटना हो सकता है ना, इससे ज़्यादा घटना नहीं हो सकता है, है ना, इसमें पूरे इंक्लूड हो गया, तुम कैसे भी घुमा कर फेंकोगे तो इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता, यानी कुल कितना हुआ तुम्हारा, चार गो, कितना कुल, चार, यानी चार गो इवेंट कुल बना, है ना, चार गो इवेंट हुआ, अब क्वेश्चन में क्या करा जानते हो, देखो क्वेश्चन क्या करा है, ये देखो एक सिक्के के, है ना, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या करा, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रयत्न होगा, है ना, एक सिक्के को चित आने, अब एक ही सिक्का का बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक सिक्का को, है ना, तो देखो एक सिक्के के चित आने की क्या प्रयत्न होगा, एक सिक्का में चित आने की क्या प्रयत्न होगा, है ना, तो देखो इसमें दो सिक्का है लेकिन क्वेश्चन क्या कर दिया, एक ही सिक्का निकालना है, क्वेश्चन कहा दो सिक्का का, देखो क्वेश्चन में कहा कि दो सिक्कों को उछाला जाता है तो इसमें क्या, एक सिक्के के चित आने की प्रयत्न क्या है, एक सिक्का के चित आने की प्रयत्न क्या है, अगर मानो दो संख्या रहता, दो सिक्का रहता तो चित किसके बोलेंगे रे, है ना, पीए से ना लिखोगे ये हेड हुआ ये टेल हुआ, समझे ना, तो चित पर जानते हो क्या होगा, चित और क्या होता है पट, है ना, बो अच्छा पट, चित और पट बताओ, चित और पट ये ना होगा, आप दोनों बताओ इसमें हेड कौन होगा टेल कौन होगा, इसमें चित हेड और पट टेल, हां पक्का, हां चलो ठीक है, हो गया तुम लोग का, चित क्या है हेड और पट क्या हुआ टेल, है ना, इसको क्या लिखोगे हेड, इसको लिखोगे टेल, तो देखो हेड, तो हेड आने की प्रैक्टिस तुम करो, हेड कहां कहां है, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है और यहाँ हेड है ना, अगर दो सिक्का रहता तो दो सिक्का है क्या करेंगे, दोनों पर हेड होगा कि होगा, हम बिना ना कहा गया है कि मान लो कि दोनों सिक्का पर हेड होना चाहिए, हेड अटेल नहीं होगा, इसमें क्या करा कि कम से कम हमको हेड निकालना, हेड तो हेड यहाँ, हेड यहाँ और हेड यहाँ, तो कितना हेड हुआ, तीन गो, है ना, तो हेड आने की प्रैक्टिस क्या, नहीं एच आने की क्या लिखोगे प्रायिकता, है ना, चलो प्रैक्टा, है ना, एच आने की प्रैक्टा यानी हेड आने की प्रैक्टा, तो कितना रे हेड, एगो यहाँ एगो यहाँ आएगा, कितना तीन, कितना मेरे चार में, आपका आंसर हो गया तीन वोटा चार, देख लो, है ना, क्या क्या आंसर दिया देखते जाओ, मेरा तीन वोटा में चार हो गया, अच्छा आप देखो ये कितने सिक्का के लिए है, दो सिक्का के लिए, नहीं कितने सिक्का के लिए, दो सिक्का के लिए, अब क्वेश्चन हम क्या करें, एक सिक्का उछालना है, यानी एक सिक्का पर क्या होगा, तो देखो अगर एक सिक्का होता, मान लो एक सिक्का, कितना सिक्का रे एक, मान ले एक सिक्का रहता तो तू सब की कर भी ही, है ना, एक सिक्का रहता था, एक सिक्का रहता तो या तो हेड है तो या तो टेल है, तो ये ना तो हेड या तो टेल, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, लेकिन वैल्यू कितना हुआ, आउटकम कितना निकला, दो, टोटल कितना है दो, संभावित मान दो है, तो आप दो प्रकार का मन कर दो, है ना, मन कर दो दो प्रकार के, क्या प्रकार कर दो, दो प्रकार के, ठीक है, अब इसमें हमको क्या चाहिए, हेड निकालना है, कितना हेड ना चाहिए, तो हेड आने की प्रैक्टिस, तो देखो एक सिक्का है तो दो सिक्का होगा, इसका आंसर ये, एक सिक्का होगा तो इसके लिए क्या, देखो हेड आने की प्रायिकता, है ना, आने की, ठीक है, प्रायिकता, है ना, हेड आने की प्रायिकता, क्या करोगे, ई की घटना यानी इवेंट क्या हमको चाहिए, है ना, हेड चाहिए, तो हेड कितना रे एगो, और टोटल कितना दू गो, सॉरी हेड एगो तो एगो ना लिखोगे एगो, अंक में लिखना है, अंक में कितना आंसर, ये होगा आंसर, देखो है
यही आपका आंसर होगा एक सिक्के के लिए। और दो सिक्के के लिए कौन होगा वो? क्लियर हुआ? कोई समस्या आया था बताओ, किसी को दिक्कत है तो पूछो अभी भी, पूछ लो, तुम लोग का भी मौका है, पूछ ले, फिर दिक्कत होता नहीं। चलो अब आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझे ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खाली सबको भूलना नहीं तुम लोग, समझे ना, समझे, दिखा देंगे हम तुम्हें रेलवे सब कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सबको, ठीक है। चलो देखो अब है, नहीं खेले का बात कर, खेला में खेला होता है ना, प्लोथिन है ना, झोड़ा बैग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो आते क्वेश्चन, तुम लोग पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो। चलो हो गया इतना क्वेश्चन पढ़, ये क्या कर रहा है, एक थैले में दो, सॉरी कितना अच्छे है, एक थैले में नहीं याद करो रे लड़का, तुम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, एक थैले में 6 सफेद 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है, तो उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या होगा, समझे ना, पीले गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या होगा। तो सबसे पहले तुम जितना भी गेंद है उसको सबको इक्वल करो, यानी इक्वल कर सबको सम कर लो, टोटल क्या करना जोड़ देना है ना, यानी जब थैला है तुमको थैला में दे देंगे, और थैला में दे देंगे नहीं कहते बैंगन ले जाओ गोभी ले जाओ, मान लो क्या बैंगन गोभी आलू, उसके बाद कुछ कुछ छोटा छोटा मटेरियल ले लो, नहीं सेबे ले लो क्या अंगूर रख लो, सबको एक साथ मिला देंगे, आता बोलेंगे कि भाई उसको जो है ले जाओ, आता बोलेंगे कि 7 वो अंगूर है, 5 वो केला है ना, 5 वो आलू का है, 6 वो टमाटर है, तो जब तुमको बोलेंगे निकालो बिना देखे हुए निकालो इसमें से क्या, तो कुछ निकालोगे, टमाटर आ जाएगा, आलू आ जाएगा क्या, गाजरी आ जाएगा, जो उसमें रहेगा चूड़ा में, उसमें कुछ भी आ सकता है, समझे। तो वही करो कि पहले इसमें टोटल सामान है कितना, वो पहले टेस्ट करो, यानी चेक करो तुमको दिया हुआ है नहीं, इसमें दे दिया है इधर, उसमें मत सको इसे रहो मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि थैला में कितना संख्या है उसको सबसे पहले क्या करो गिन लो, है ना। तो आते हैं गिनते हैं थैला में, बड़ बदमाशी करे तू लोग, चश्मा छीन लो हम तो बुझे ना, देखेबे नहीं कर तू, बस मेरा चश्मा को सूझ करा कहिया से रहो, बहुत दिन के। चलो देखो दो नंबर क्वेश्चन, ये बदमाशी को दो नंबर देखो क्या करा है ना, कुल गेंद देखोगा कितना है आपके पास, कुल गेंद है ना, गेंद देखो कुल गेंद में क्या क्या लिखोगे, 6 कितना है सफेद, कितना रे 6 सफेद, उसके बाद लाल, लाल कितना है 11 लाल, है ना, लाल कितना 11, ठीक है, पीला कितना चला, पीला कहते छोड़े ठीक है। तो उस थैले में से एक पीले गेंद है ना निकालने की प्रैक्टा, इसमें क्या करा है, उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रैक्टा, एक ही वो पीला गेंद होना चाहिए निकालोगे, समझे ना, कितना निकालोगे एक पीले गेंद निकालने की प्रैक्टा, आप तुम्हें बताओ कि टोटल कितना हुआ आपके पास, टोटल कितना है जोड़ दो, कितना हुआ 24 हो गया, 11 और 6 कितना हुआ 17 और 7 यानी 24 गेंद, कुल कितना गेंद हुआ 24। आप पीले गेंद आने की प्रैक्टिस करा है, इसमें क्या है ना, उस खेले में से एक पीले गेंद निकालना, कितना एक वो पीला गेंद निकालोगे, समझे ना। अच्छा ठीक है देखो, तो पहले सबसे समझ लो कि पीला गेंद है कितना 7 वो है, तो जब 7 वो पीला गेंद है आप टोटल कितना है 24, तो तुम्हारा 24 जो है उसमें, तो हो सकता है कि एक बार में निकालेंगे तो सफ़ेद हो जाएगा क्या, जैसे इसमें से निकालो सफ़ेद हो गया, फिर निकालो इसमें से क्या होगा लाल हो गया, फिर एक बार निकालो पीला हो जाएगा, कुछ हो सकता है इसमें से, जब आज़ादी है तो निकालना है उसमें से, है ना, मान लो तुमको बोलेंगे कि मान लो क्या है निकालिए, प्रैक्टिस का मतलब क्या है ना, संभावित घटना है ना, संभावित घटना देखो, संभावना वाला घटना होता है उसमें, तो देखो 6 कितना बस में 6, फिर यहाँ पर तो कितना 11, फिर कितना सबको जोड़ दे 24 हो गया। अगर मान लो हमको पीला खाली करना निकालने के लिए है ना, पीला गेंद आने की प्रैक्टा, तो पीला कितना है 7 वो है, तो 7 बटा कितना करते हैं 24, देख लो ऐसे कितना है ना, कितना 7 बटा 24 हो गया। चलो इसी में से तुम बोलेंगे लाल का निकाल के देखो, लाल का कितना होगा, तो लाल कितना है 11, तो तुमको 11 बार मन करेगा है ना, 11 बार मन करेगा, हो सकता है कि वो निकालेंगे तो मान लो ब्लू आ जाएगा, फिर हरा आ जाएगा, जो जो कलर है वही कलर आएगा इसमें से, इसमें थोड़ा चेंज होगा,
जैसे हम निकाले झोड़ा में से निकाल दिए तो निकाले, हो सकता सफेद हो जाए, क्या हो सकता है लाल आ जाए, हो सकता पीला आ जाए, क्योंकि ये प्रायिकता है ना, ये संभावना वाला घटना है, समझे। इस पे लिख लो तो पीले आने की प्रायिकता है ना, पीले आने की प्रायिकता समझे, तो एक पीले आने की प्रायिकता है, क्या है देखो पीले आने, ठीक है आने की क्या लिखोगे प्रायिकता है ना, प्रायिकता समझे, यानी प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर के नाम प्रोबेबिलिटी, संभावित वाला बात। तो देखो एक पीले आने की प्रायिकता, तो देखो पहले ये समझो कि पीला कितना बार हो सकता है, पीला कितना बार है, सात बार ना, पीला कितना बार, सात बार, लिख देना मन में सात, ठीक है। अच्छा टोटल कितना गेंद, टोटल कितना गेंद, चौबीस, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 24 चौबीस, समझे, बताओ दिक्कत है, आंसर मिला लो तुम लोग, यही आंसर है, चलो ठीक है, इस तरह से बना लोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझे ना, और ये क्वेश्चन तुमको हर एग्जाम में देखने को मिलता है समझे ना, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम होगा कभी कभी नहीं पूछता है, कभी कभी तुमको जो है ना पूछ ही देगा समझे, इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन तुमको मिल ही जाता है समझे, तो है बुक में भी दिया है सबको एकदम अच्छा से है ना, एकत्रित करके क्वेश्चन को रखो, तुम क्या करा रहे लड़का, याद करोगे ना तुम, वह बनाओ ना, चलिए और कोई कुछ दिक्कत है इसमें, फोन नंबर बता दें, चलो ठीक है चलो क्वेश्चन पर उतार लो, फोन नंबर बता देते हैं, क्या बोले बना लोगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ओ अच्छी तरह से फेटी हुई पत्ती है ना, 52 तासों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रैक्टिस, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता दी थी इसका क्वेश्चन क्या है, अब वो तास वाला क्वेश्चन आ गया, तो तास है तो तास क्या प्रकार का होगा, 52 प्रकार का तास होता है, यानी पत्ती 52 गो होगा, तो 52 प्रकार का तुमको दिखने को 52 प्रकार नहीं कह सकते हम उसको, क्योंकि 52 गो रहता है, प्रकार तो नहीं मिले, प्रकार के बाद क्या इक्का तो 4 गो आता है, क्या क्या कितना होगा, 4 गो, तो एक ही प्रकार का हुआ ना, लेकिन अलग अलग होता है कलर, तो देखो ना कलर, कलर में क्या होता है, लाल पान है ना, ठिकरी, क्या सब कल बता देते हैं पूरा, देखो पत्ती कितने प्रकार का होगा, थोड़ा 12 गो, सॉरी कितना होगा 52 है ना, 52 गो हो गया, 52 गो, 52 पत्ती अलग अलग होता है ना, ये तो बोले एक का देखिए जैसे होता है, एक का सामने के एक एक नहीं, उसके कलर के हिसाब से देखेंगे ना, तो 52 टाइप का होता है ना, टाइप ऑफ जो होगा कार्ड, कितने प्रकार का, 52 प्रकार का, इक्का का अलग कलर होता है, कलर का मतलब क्या, उसका रंग कहा जाता है, जैसे न चिड़िया, ठिकरी, स्याही है ना, लाल पान, क्या ये चीज़ सब होता है समझे ना, ये चीज़ सब कल बता देते हैं समझे, तो देखो कितना है टोटल 52 होता है, तो 52 को में दोस्त है ना आधा आधा करो, 52 में से कितना होगा 26 और 26 नहीं 26 और 26 देखो कितना, 26 को काला, 26 को लाल, इसमें भी काला कितना प्रकार का होगा, दो प्रकार का, काला भी दो प्रकार का, इधर में 13 इधर 13, इधर भी कितना, इधर भी 13 और इधर भी कितना होगा 13 होगा समझे ना, दोनों तरफ क्या 13 होता है। उसके बाद इसमें हम लोग देखे थे हुकुम को, नहीं चिड़िया देखे थे, लाल पान देखे थे, स्याही देखे थे, क्या ईट, ईट तो बोले ना, ईट, ईट कैसा होगा, ईट का मतलब क्या, ईटा की तरह फिगर होना चाहिए, ईटा की तरह है ना, कैसे होगा ईटा की तरह, ईटा की तरह होगा, पतंग जैसा ईटा की तरह, चलिए जिसको ईट बोला जाता है, क्या कोई दिक्कत, ये सब बता चुके थे अब देखो। उसके बाद देखे थे कि चेहरा वाला क्या को तास हो गई थी, चेहरा वाला है ना, फिगर वाला क्या था, तो बताए थे क्या को, चेहरा वाला क्या को रे भाई, क्या टोटल पति क्या को, तीन प्रकार के हुए हैं, तीन को एक का जैसे, सॉरी जैसे गुलाम हुआ, तो गुलाम में कितना हुआ, 4 प्रकार का गुलाम हो गया, क्योंकि चारों रंग हो गया ना, लाल पान हो गया, स्याही हो गया, टिकड़ी हुआ, चिड़िया हो गया ना, इस टाइप का फिगर तुमको देखो, हाँ कितना होगा टोटल 12 को, नहीं बताए थे 4 4 4 तीन प्रकार का हुआ ना, तो तीन प्रकार में क्या होगा, तीनों अलग अलग कलर में होता है, कितना होगा तुम्हारा 12 प्रकार का, कलर का मतलब क्या, रंग बोलेंगे रंग, उसका अलग अलग रंग होता है, काला, लाल पान, हरा पान, हरा नहीं वैसे आ गया है ना, अलग अलग कलर होगा, ठीक है देख लेते हैं। तो फिगर वाला यानी चित्र वाला कितना होगा, चित्र वाला कितना रे 12 को, 12 का कैसे हो गया, तो एक हो गया क्या क्वीन है ना, यानी रानी, और दूसरा क्या होगा
राजा भी होता है यानी गुलाम भी होगा और बादशाह भी होता है ना, राजा गुलाम ये सब सब होगा। यानी ये जो दिख रहा है ना ये तीन को जो है क्या होगा, तीनों का इसका भी चार, इसका भी चार, इसका भी चार को, तो टोटल कितना हुआ बारह को, यानी बारह को चित्र वाला हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि देखो अच्छी तरह से फेटी हुई है, अच्छी तरह से फेट दिया है ना, देखो ताश खेल तो इस तरह से क्या रे मारता है एकदम, तो रगड़ देता है सीधे, इतना आदमी तो इधर फूक लगाता है ऐसे ऐसे कर देता है, नहीं कर देता है बहुत, लेकिन नहीं करना चाहिए था, ठीक है पाउडर लगा देना चाहिए इसे, अच्छा पाउडर वाला काट आता है एकदम, तो अच्छा काट होता है एकदम टाइट होगा, पाउडर लगा दो तो पिछलेगा ऐसे, ताश वगैरह से काटता है पति और काटने का देता है क्या रंग में बनाता है, हमको भी ताश खेलने नहीं आता है, अच्छा सर हमको भी ताश होता है से नहीं आता, हम नहीं जानते इसके बारे में, जितना है तो आप उसके अकॉर्डिंग उतना ही जानते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है ना, कौन ज़्यादा बड़ा है कौन छोटा है समझे ना। चलो अब आ जाओ, तो इसमें क्या करा है कि एक गड्ढी में इक्का प्राप्त करने की प्रैक्टिस, अब देखो इक्का नहीं इक्का आने की प्रैक्टिस क्या होगा, तो इक्का ले गए तो इक्का क्या प्रकार का है, इक्का क्या होगा, अरे क्या इक्का चार गुण इक्का चार होगा कलर में नहीं, कलर तो देखो कलर के हिसाब से देखेंगे तो करिकवा वाला ललका वाला बता है, और रंग के हिसाब से देखेंगे तो चार प्रकार का तो रंग हो जाएगा नहीं, चिड़िया हो गया, स्याही हो गया, लालपन हो गया नहीं, फिर ठिकरी सब क्या सब होता है, सब में होता है सब में, ठीक है। तो देखो अब आ जाओ, तो टोटल की काम कर दे इसमें इक्का आने की प्रैक्टा है ना, एक या जो भी है देख लेना अपना है ना, इक्का आने की प्रैक्टा है, इक्का है ना आने की क्या प्रायिकता बताओ, कोई दिक्कत नहीं आता है, इक्का आने की प्रैक्टा, तो टोटल कितना नहीं चला 52 हाँ, टोटल कितना 52 हो गया, अच्छा इक्का क्या गो चार गो का हुआ ना, तो ऊपर क्या करोगे चार लिख देना है ना, क्या गो चार लिख देना, अरे तो कार दो 13 4 52 ए बट्टा में 13 देखो आंसर है ए बट्टा में 13 हाँ चलो कोई दिक्कत और क्या है, नोट करो चलो कुछ जल्दी नोट करो, इसको प्रैक्टिस करना घर पर, अब पासा वाला हो गया है, पासा वाला है तो बना लोगे तू लोग घर से, टाइम देखो कितना हो गया, टाइम देखो बच्चा लोग आ गया है उससे क्लास का, टाइम देखो दोस्त कितना हो गया, समझ में आ रहे ये इधर आ जा बना लो, ये कोई दिक्कत ना है, तो क्या करा व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू द है ना 25 कितना 87 है, समझे कह रहा कि इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या 87 आ जाना चाहिए था समझे ना, क्या जोड़ोगे देखो कितना है 25 है, इसमें क्या करा है कि 2 गेट है ना 87 ठीक है 2 गेट 87 है ना आंसर, तो क्या करोगे इसमें जो दिख रहा है 82 में से क्या करोगे 82 में से है ना 20 कितना 5 है 25 घटा दोगे, तो घटा दो कितना हुआ 2 हो गया, इधर घटा कितना 6 हो गया, यानी 25 में कितना जोड़ोगे 62 तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप, समझो ना इस तरह से बनाना, और कोई दिक्कत है तो पूछ लो क्या चेला का फोटो आ गया, कोई दिक्कत है ना तुम लोग को, आज के लिए इतना ही क्लास।